हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज मैं अभी हूँ हनोई में और मैं कल ही आया हूँ वियतनाम। कोलकाता से वियतनाम में आया था। तो चलो आज देखते हैं कहाँ कहाँ घूमते हैं। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, ये है सिटी सेंटर और यहाँ पे बहुत सारे पब वगैरह है, देख सकते हो। देखो यहाँ पे आके आप लोग सिटी सेंटर में आके केसी आप लोगों को मिल जाएगी। और यहाँ से ओल्ड क्वार्टर है लगभग 2 किलो। यस नो 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 आई डोंट नीड। तो यही है, यहाँ से ओल्ड क्वार्टर भी एकदम नज़दीक है। इस तरफ है ओल्ड क्वार्टर, इस तरफ देखो, इस तरफ है ओल्ड क्वार्टर। आप लोग ओल्ड क्वार्टर भी जा सकते हो। शाम को ओल्ड क्वार्टर एकदम हरा भरा हो जाता है, मतलब लाइवली हो जाता है शाम को अगर आप लोग आफ्टर 5 PM वहाँ पे जाते हो। देखिए यहाँ पे आज पूरी रास्ता खाली है, पता नहीं यहाँ पे कोई गाड़ी भी नहीं चल रहा है, शायद यहाँ पे गाड़ी चलना मना है। जो जगह है ये है सिटी सेंटर के अंदर, एकदम सिटी सेंटर में हूँ अभी, हनोई सिटी सेंटर। और वहीं पे आके आप लोग को ये देखना पड़ेगा, इसका नाम है लेक हैम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और सबटाइटल में भी आप लोग देख सकते हो इस जगह का नाम क्या है। ये जो लेक है, इस लेक का नाम है हुआन केम लेक और ये एकदम सिटी सेंटर के बीचों बीच है। और इस लेक के बीच में एक टेंपल है जो कि आप लोग देख सकते हो, मैं आगे जाके आप लोगों को दिखाऊंगा वो टेंपल को। और वो जो टेंपल है, टेंपल बहुत ही पुराना है। आप लोग ये देख रहे हो ना, ये ब्रिज कनेक्ट करती है उस टेंपल के साथ मेनलैंड से लेक के अंदर। और ये जो रोड देख रहे हो, इस रोड को बोला जाता है वीकेंड रोड, क्योंकि वीकेंड में ये रोड एकदम खाली सा रहता है। खाली सा रहता है मतलब यहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजरती है। और देखो मैं पैदल चलते चलते यहाँ पे एक टेंपल मुझे देखने को मिला, तो मैं अभी उसी टेंपल के अंदर जाऊँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा यहाँ का टेंपल कैसा होता है, इन लोग कौन से भगवान को पूजते हैं, वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग देखो अंदर, यहाँ पे जो जितने सारे टेंपल है, टेंपल के अंदर कोई भी गॉड नहीं है। गॉड मतलब इन लोगों का जो पूर्वज है, पूर्वजों को ये लोग पूजते हैं। तो इसीलिए देखो, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे जो फ्रूट्स, बिस्किट, चॉकलेट, उसके बाद बियर, ये सब चढ़ाया है भगवान का प्रसाद के लिए। आप देख सकते हैं ये सब चढ़ाया है। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी कुछ ट्रेडिशनल जो टॉयस आप लोगों को मिलेगी, सुवेनियर आप लोगों को मिलेगी। और एक आइसक्रीम का ट्रक भी है, आप देख सकते हो। मैंने अभी अभी एक मंदिर के अंदर गया था और ये जो वियतनामीज पीपल है, इन लोग तो हिंदू भी नहीं है, बुद्धिस्ट भी नहीं है। इन लोगों का जो रिलीजन है, रिलीजन अलग तरह का रिलीजन है, ये इन लोगों का कोई रिलीजन ही नहीं है। तो मैं उसी के अंदर गया था। अभी देखिए मेरे पीछे और भी एक टेंपल है और ये फेमस टेंपल है। मैं यहाँ पे आप लोगों को कल लेके चलूँगा, आज बाहर बाहर से ही घूमेंगे। यहाँ पे जितने सारे जगह है बाहर बाहर से घूमेंगे, आज ज़्यादा दूर कहीं भी नहीं जाएंगे। ये देखिए, ये है मेरे पीछे एक 3 मूर्ति है और ये 3 मूर्ति किन लोगों का है, चलिए सामने जाके देखेंगे किन लोगों का है। ये शायद कोई फ्रीडम फाइटर का मूर्ति है, इन लोगों का भाषा में लिखा है, इसीलिए मैं पढ़ नहीं सकता क्या लिखा है। ये एकदम जो हनोई सेंट्रल है, सेंट्रल का पास ही है। यहाँ पे आने से एक तरफ लेक, इस तरफ लेक मिलेगी और उसी के पास में है ये।
और ये पीछे ये जो दिख रहा है ना, ये है टेम्पल जहाँ से मैं अभी निकला हूँ। और ये देखो, ये जो लेक के बीच में जो टेम्पल है, उसी टेम्पल का एंट्रेंस है ये। और वो टेम्पल दर्शन के लिए आप अगर आप लोग जाओगे तो 50,000 डोंग का टिकट आप लोगों को लेना पड़ेगा। टिकट लेकर आप लोग अंदर जा सकते हो। देखिए हमारे यहाँ अभी गर्मी तो ज़्यादा है, लेकिन उतना भी गर्मी नहीं है, गर्मी 30-35 डिग्री के अंदर ही है। और धूप नहीं है इसीलिए इतना गर्मी महसूस नहीं हो रहा है, नहीं तो फिर बहुत ही गर्म लगता। और ये जो पीछे जो लेक देख रहे हो, यही है हनोई सेंट्रल का जो लेक। ऐसे भी ये हनोई जो सिटी है, हनोई सिटी बहुत बड़ा सिटी नहीं है, सिटी छोटा ही है। आप लोग अगर पैदल भी घूमोगे ना, पूरा सिटी आप लोग देख सकोगे। या फिर आप लोग हॉप ऑन हॉप ऑफ जो बस है, उसी में आप लोग ये शहर घूम सकते हो। और 24 आवर्स का टिकट का प्राइस है 4 लाख डोंग, जो कि INR में लगभग 1200-1300 रुपीस है, या फिर कुछ ज़्यादा है। लेकिन आप लोग अगर आए तो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस में आप लोग घूम सकते हो, अगर बारिश ना हो तो, क्योंकि ये हॉप ऑन हॉप अप जो बस है, ये सब डबल डेकर बस है और ऊपरी ऊपर में खाली हुआ रहता है, छत नहीं है ऊपर में, तो अगर ऊपर बैठोगे तो पानी आएगा बारिश में अगर निकलोगे, या फिर बहुत गर्मी में भी निकलोगे तो धूप लगेगा, फिर भी आप लोग देख सकते हो। मैं तो अभी यहीं पे घूम रहा हूँ, घूमते घूमते जो भी इंफॉर्मेशन मुझे पता चल रहा है मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखते रहो। और अगर आप लोग यहाँ का वीज़ा के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो मैं दूसरा एक वीडियो लाऊंगा। जब मैंने आया था तब ये रोड में गाड़ी चल रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे शायद गाड़ी चलना मना है, इसीलिए गाड़ी नहीं चल रहा है, ये सिर्फ पैदल चलने के लिए ही है ये जगह, ये रोड, ये जो लेक है, लेक के चारों तरफ आप लोग पैदल चल के घूम सकते हो, इसीलिए शायद यहाँ पे गाड़ी अंदर आना मना है। और आगे आप लोगों को मिलेगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल EV, जिसमें आप लोग घूम सकते हो अगर आप लोग पैदल चलना नहीं चाहते हो तो। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी फ्री में पानी, पीने का पानी, नहीं तो यहाँ पे जितने सारे पानी का दुकान है, एक छोटा बोतल आप लोगों से ले लेगा 10,000 डोंग। अभी अभी मुझे पता चला कि यहाँ पे जो रोड खाली दिख रहा है, खाली इसलिए है क्योंकि वीकेंड में, मतलब सैटरडे और संडे, ये लेक के चारों तरफ जो रोड है, रोड में कोई गाड़ी अंदर आने नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कोई पैदल चल के घूमता है, तो इसीलिए रोड एकदम खाली है, आप लोग देख सकते हो। और आगे भी ये ऐसा ही नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और देखो, मैं पैदल चलते चलते अभी जो वीकेंड वॉकिंग स्ट्रीट है, उसी के सामने आ गया हूँ। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार से भी आप लोग घूम सकते हो। और ये है इलेक्ट्रिक कार का टिकट काउंटर, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टिकट का प्राइस क्या है, आप लोग यहाँ पे आके देख के ये इलेक्ट्रिक कार में आप लोग घूम सकते हो। यही से आप लोगों को मिलेगी हॉप ऑन हॉप अप बस का टिकट, और टिकट का प्राइस क्या है आप लोग देख सकते हो। देखिए हॉप ऑन हॉप अप बस का जो किराया है, देख सकते हो, फॉर 4 आवर्स के लिए है 3 लाख डोंग, 24 आवर्स के लिए है 4,50,000 डोंग। और अगर आप लोग सिर्फ 1 घंटे के लिए घूमना चाहते हो तो फिर 1.5 लाख डोंग है। अगर देख सकते हो ये सिटी सेंटर है और इसी का पास ही है ये देखो सिटी सेंटर,
मेरे पीछे है केसी और इस तरफ है ओल्ड क्वार्टर। यहाँ से ओल्ड क्वार्टर नज़दीक ही है, 0.5 किलोमीटर है। और पीछे और भी देखो, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी आप लोग आके खाना खा सकते हो, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। तो यही है ये जगह, सिटी सेंटर में आप लोगों को दिखा दिया और क्या क्या है देखने को आप लोग देख सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं मैं आप लोगों को दूसरा वीडियो में दिखाऊंगा। आप तो ऐसे ही टहलने के लिए निकला हूँ, इसीलिए जो जो नज़दीक में मिला वो जगह को मैंने आप लोगों को दिखाया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे। चलिए चलते हैं, टाटा।